हमारी सरकार जो है ये न्याय के साथ और न्याय के साथ काम करती है और कोई भेदभाव करने वाली हमारी सरकार नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, आम लोगों के लिए बराबर है। कोई घटना घटती है तो जो दोषी होते हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, इसमें हायतोबा बचाने की क्या बात है? तो चिन्हित करके तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई घटना नहीं करते हैं कह के, तो कोई भी जो भी लोग घटना करेंगे तो उसे सख्त से सख्त जो कानून में कार्रवाई की जाती है, कानून संगत वो कार्रवाई होती है। रुपौली से टिकट मिला है आपके पार्टी के कलाधर मंडल जी को, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सामने में देखिए ये तो किन परिस्थिति में ये उपचुनाव हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं और अति पिछड़ा समाज से हैं और काफ़ी सामाजिक राजनीतिक काम में वर्षों से जुड़े रहे हैं, पंचायत के भी प्रतिनिधि रहे हैं, पिछले बार चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय। एक अनुभवी व्यक्ति को जो अति पिछड़ा समाज के से आते हैं उनको कलाधर प्रसाद मंडल जी को रुपौली से टिकट मिला है और वहाँ पर हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। रीमा भारती है तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सामने देखिए कोई चुनौती नहीं है, हम लोग लोकसभा में अभी 25,000 से लीड किए हैं इसलिए कोई चुनौती नहीं है वहाँ।